माल्टा में दुबई एम्बेसी जो काम कर रही है वो बंद हो गई, अबू धाबी वाली बंद हो गई। क्यों भाई, पहली दफा बंद हुई है क्या? होती रहती, खुलती रहती है। आप जो कि वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, भाई अपना प्रोसेस करो। सारे काम हो रहे हैं, जब एक एम्बेसी है काम करने के लिए बनी है ना, तो वो ओपन तो होगी ना, जब क्लोज हुई है तो ओपन होगी होगी। अच्छा, फरवरी जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो फरवरी नेक्स्ट मंथ है, फर्स्ट वीक, उसमें उम्मीद है कि एम्बेसी काम करना दोबारा से शुरू हो जाएगी। ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फरवरी में माल्टा जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन थी टोटल कंप्लीट कर चुका है, और इन सब चीजों से अपनी जो है वो जो स्ट्रिक्टनेस थी चीजों की वो लिफ्ट अप करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये मुमकिन है कि ये जो जो ऑफिस बंद किया गया है, जो काम करना बंद किया गया, वो इसी वजह से किया गया है कि उनके पास बहुत से और भी बहुत से काम होते हैं ना। तो आप जिन दोस्तों की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप वेट करें, आपको अपॉइंटमेंट दोबारा से देंगे, आप दोबारा से अप्लाई कीजिए जाकर। लेकिन ये जो शोर मचा हुआ है, एम्बेसी बंद हो गई, काम बंद हो गए, हमारे लिए मुश्किल आ गई, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं आई। एम्बेसी खुलती रहती है, एम्बेसी बंद होती रहती है, आप अपने काम करते रहें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप वहां पर जाकर जमा करा सकते हैं। जिन दोस्तों को सीवियर कवर लेटर बनाना है वो बनाइए, माँ की दुआ सीवी जो चैनल है मेरा, उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सीवी बनाकर दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों आपसे यही इल्तमास है कि इन बातों पर मत आइए, मत आप ध्यान रखा करें इन बातों पे, ताकि आप अप्लाई करना चाहते हैं माल्टा का वर्क परमिट तो अप्लाई कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, वैसे ही खुलेगी और बहुत जल्द खुलेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।